हम लोग बीच पहुंच चुके हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट क्रॉस करके। अभी आप देख सकते हैं एलिफेंटा बीच इतना फेमस क्यों है। इसका पानी का कलर देखिए। हाय ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जाएंगे हैवलॉक की सबसे फेमस एलिफेंट बीच पे। एलिफेंट बीच जाने के दो तरीके हैं, एक तो आप बोट से जा सकते हैं और दूसरा आप एक ट्रैक करके जा सकते हैं जो जाता है फॉरेस्ट रिजर्व से। तो अभी जो आप देख रहे हैं मैंने पूरा शॉट लिया था जब मैं स्कूटी पे आई वॉज राइडिंग अराउंड हैवलॉक। तो पहले मैं जाऊंगी जेटी पे ताकि मैं अपनी सी वॉक की टिकट ले सकूं। जो मेरा सी वॉक एक्सपीरियंस है वो एक डिफरेंट वीडियो के अंदर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूं। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कि फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर हमारा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे एलिफेंट बीच पे थ्रू अ ब्यूटिफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो कम ऑन दिस ब्यूटिफुल जर्नी विद मी। इधर आई हूँ जेटी पे, यहाँ से ही आप सी वॉक का टिकट ले सकते हैं, नहीं तो वहाँ जाके उतर के जो बीच है वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये है मेरा टिकट। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को असिस्टेंस करा दिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। और क्या सर ये ब्रीफ कर देंगे आप? ये मैनेजर हैं यहाँ कंपनी के, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। तो अभी हम पहुँच गए एलिफेंटा बीच का जो एंट्रेंस है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ पहुँच गए। और ये पीछे पूरा फॉरेस्ट कवर है और अगर आप यहाँ से देखो तो वो आगे आकाश है वाइट शर्ट में। आकाश हमें लेके जाएगा मतलब मुझे ही लेकर जाएगा। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आप अगर पानी लेना चाहें या कुछ चीज़ लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। यहाँ रजिस्टर करना होगा? अच्छा पहले रजिस्टर कर लेते हैं। ट्रैक शुरू हो रहा है और आकाश अभी हमें ब्रीफ करेंगे। जैसे कि मेरा नाम आकाश है, टोटल हमारा एल्फिन बीच के लिए जो ट्रक होगा 1.8 किलोमीटर का ट्रक होगा। अच्छा अभी हम लोग फर्स्ट जहाँ से चल रहे हैं हाँ जी विलेज बोलते हैं, विलेज जी गांव एरिया। अच्छा ये 300 मीटर का है। अच्छा उसके बाद जाता है रिजर्व फॉरेस्ट 1.2 किलोमीटर का। अच्छा रिजर्व फॉरेस्ट का सिंगल रूट नहीं है, अलग अलग रूट है। अच्छा रिजर्व फॉरेस्ट में आपको जैसे लिजर्ड स्नेक्स वगैरह दिखेगा। अच्छा नॉर्मली वो सब। अच्छा और एक एलिफेंट है तो अंदर में ही रहता है जंगल में। एक ही है? हाँ एक ही है, डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अच्छा और फिर लास्ट में जाके आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा वहाँ पे अगर हाई टाइड होता है हाई टाइड के टाइम आपका नी लेवल तक पानी रहेगा। अच्छा और अगर लो टाइड रहता है तो पानी नहीं रहेगा। अच्छा और बीच जो एक्टिविटी बीच है वहाँ में बहुत टाइप्स के एक्टिविटी होते हैं। अच्छा 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 जैसे कि सी वॉक, स्नॉर्कलिंग और भी बहुत टाइप का स्पोर्ट्स राइड, पैरासिलिंग वगैरह होता है। अच्छा आपको जो भी करना है वहाँ में ऑन द स्पॉट पे करके कर सकते हैं। अच्छा अच्छा थैंक यू आकाश। थैंक यू मैम। बाकी रास्ता जो है पूरा ऐसा ही है, थोड़ा एलिवेशन है पर पाथ बना हुआ है। तो हम अभी इसी में ट्रैक करेंगे। हमें कितना टाइम लगना चाहिए? एक 30 से 40 मिनट्स। अच्छा चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी हमें बीच के सॉरी रूट के बीच में यहाँ एक पाइन एप्पल दिखा है, वहाँ अगर आपको ना दिखे तो ये रहा। काजू का पेड़ भी था ना यहाँ? ये वाला है ऊपर में दिखे, ये सारे काजू के पेड़ हैं। वाह अच्छा। अभी हम विलेज जो है उसके एंड तक पहुंच चुके हैं। बनाना के ट्रीज वगैरह है। अच्छा यहाँ पानी रहता है क्या नीचे? हाँ जी बारिश के टाइम में ना वहाँ से पानी जाता है। फिर जाता है बारिश में इस ट्रैक पे? हाँ बारिश में आपका अगर बीच ओपन है, एक्टिविटी बीच अगर ओपन है। अच्छा। तो क्या ट्रैकिंग भी ओपन रहेगा। अच्छा बारिश में भी? जी मड रहेगा फुल, लेकिन अलग मजा है मड से जाने का। यहाँ पे देख के सामने देख के ये देखिए गर्जन ट्री, गर्जन ये हाइट के लिए फेमस है। ये आपके सामने जो वाओ कितना लंबा पेड़ है, ये कौन सा नाम क्या है? गर्जन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश वो देखिए लिखा है यहाँ, ये दिख रहा है आपको? रेडवुड नहीं है, नहीं रेडवुड नहीं है, गर्जन ही लिखा है। हाँ गर्जन ही लिखा है और एक साइंटिफिक नेम लिखा है डिप्टेरोकैपियस। डिप्टेरोकैपियस स्पीशीज। वाओ ये तो बहुत ऊंचा पेड़ है। वाओ यहाँ से रिजर्व फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। तो अब हम दोनों जो है 300 मीटर हमने कर लिया है, इतने में दोनों का पसीना निकल गया है। तो अब यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट है।
फॉरेस्ट में मेरे लिए डरने की सबसे बड़ी बात यही है, इनको तो डर नहीं लगता, बट यहाँ पे स्नेक्स है। थैंक यू। यहाँ पे स्नेक्स है और मुझे कल किसी ने कहा था ऐसे ड्राई लीव्स जहाँ पे भी दिखे वहाँ गलती से भी स्टेप मत करना क्योंकि वहाँ सारे स्नेक्स रहते हैं। कोई नहीं, आकाश है साथ में तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आकाश विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो अभी हमें ट्रैक करते हुए, आधा हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, अभी कितना टाइम हुआ होगा आकाश? 17 मिनट्स हो गया है और अभी हमको बस हाफ हुआ है डिस्टेंस, हाफ रहता है। हुड का कलर है इसी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इसका हुड का कलर फेड हो चुका है लेकिन वो हल्का हल्का रेड रेड में दिख रहा है ना। हाँ जी, फेड हो चुका है, आपको रेड में ही रहेगा। साइड देखिए, बहुत लंबा पेड़ है, है ना? हाँ जी, इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट है पेड़ का। गर्जन तो देखिए, नहीं पुष्पा वाला नहीं है, पुष्पा वाला नहीं है, पुष्पा वाला तो लाल चंदन का था। लाल चंदन वो लाल, ये रात, ये रेड पटाख है, रेड पटाख। और यहाँ पे भी आपको अगर थक जाते हैं तो बैठने के लिए खट बना है बीच पे। कहाँ पे? ये बीच पे, वो देखिए। ओह अच्छा, वहाँ अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जाना। अब यहाँ से हम आगे, ऐसा रूट कैसा है आगे, मतलब ऊपर चढ़ने का है नीचे उतरने का? स्लोप रहेगा, अच्छा आप हो साथ में, मुझे कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ वैसे सांप वगैरह है, अभी हमने एक छिपकली भी देखी थी, वो अलग सी छिपकली थी, वो दिल्ली की सड़क, वो दीवारों पे चलने वाली वो छिपकली नहीं थी, सिंघार छिपकली थी। अभी यहाँ और भी शायद कुछ देखने को मिल सकता है। मैं तो ऐसे सैंडल भी डाली कर आ गई, आपने चप्पल डाली है, बेस्ट है क्योंकि शूज में क्या प्रॉब्लम है, आगे मैनग्रोव है ना, पानी जाएगा तो उतारना पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो स्लोप शुरू होता है और मैं देख रही हूँ यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं नीचे थोड़े, है ना आकाश? जी जी, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत इंसिडेंट हुआ है कि उतरने जाते हैं तो बारिश के टाइम में स्लिप होकर गिर जाते हैं। अच्छा, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ में स्टेप बना के दिया है तो वो इंसिडेंट ना हो। ओके ओके, तो हम एक एक करके स्टेप से उतरते हैं। फिर कब से बने हैं ये स्टेप? ये जस्ट आपका एक 20 डेज हुआ है। अच्छा, बस ये 20 डेज पुराने हैं? पर ये लगता है ऐसे जैसे काफ़ी टाइम से बने। बारिश हुआ था बीच में कुछ दिन पहले, ऊपर से भी चलेंगे तो ये तो रुकेगा नहीं, और एक पत्थर ना रॉक का हार्ड वाला नहीं। अच्छा, आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। कलर भी आपका ना इस तरफ पेड़ के साथ मैच करेगा। हाँ, इधर आ रही हूँ। चले चले, चलो 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 भागो। मुझको एकदम ऐसा लगा वो इसके बाद जंप करके मेरे पैर पे ही आ गया। 100 किलोमीटर बाद, 400 मीटर बोल दीजिए, 400 मीटर्स अवे जहाँ हमको भी जाना है। बट ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, याद रहेगा हमने ऐसे जंगल वॉक की थी पूरा ट्रेल, है ना? जी जी, वो भी आंदमान में हैवलॉक एक आइलैंड के ऊपर हम ऐसे पूरे चलेंगे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अलग सी लग रही है। जी जी, ये मॉनिटर लिजर्ड टाइप में आपको दिखेगा। बाप रे, देखा आपको? देखो, आओ देखिए आपके साइड पे, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो। जो डियर वगैरह नॉर्मल ना ट्रैक के बीच पे नहीं आएगा, वो सबसे अंदर रहते हैं। ओह अच्छा, उन लोगों को शांत जगह में एकदम वही सब जगह में ही रहेंगे। अच्छा, और नॉर्मल आपको लिजर्ड वगैरह वहीं से भी है। अच्छा, मंकीज वगैरह कोई कोई सस्ते वो सब नहीं है यहाँ। मैंग्रोव पॉइंट में पहुँच गए हैं, रिजर्व फॉरेस्ट ख़त्म करके, अभी रिजर्व फॉरेस्ट एंड हो चुका है, ये लास्ट उतर रहे हैं मैम
देख लीजिए, बहुत मुश्किल से लिजर्ड विजर्ड से बच के आए हैं। ये देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे हाई टाइड के टाइम पे पानी आता है। हाई टाइड जब होता है फुल आपका नी लेवल तक पानी हो जाएगा, फुल हाई टाइड रहेगा तो नी लेवल से ज़्यादा रहेगा, कमर तक पानी आ जाता है। जब 2004 में सुनामी आया था वो टाइम रिजर्व फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका फुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर जाके नॉर्मली ग्रोथ हो चुका अभी मैक्सिमम के बाद। ये क्विक सैंड है? हाँ जी क्विक सैंड है ना, जिसमें एक बार धंसते हैं तो धंसते जाते हैं। क्विक सैंड नहीं है मैम, ये आपका नॉर्मल मैंग्रोव ब्लैक सॉइल। हाँ मैंग्रोव का ही है। अच्छा, कोई क्या अभी बीच साइड में है ना। हाँ, नॉर्मल आप विलेज के पीछे देखोगे, जैसे कि विलेज के पीछे जो मैंग्रोव रहता है। अच्छा, वो क्या है उसमें मड रहेगा। अच्छा, ये बीच साइड में अगर इसमें सैंड है तो उसका कलर भी ब्लैक ही रहता है। तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ भी पानी हाइड्रेट वाला पानी नहीं है? नहीं हाइड्रेट वाला नहीं है, सुबह हाइड्रेट था। वो देखिए पानी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये सब रिसीड कर गया। हाँ जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी मेरे को छोटा छोटा कुछ कीड़ा। कीड़ा नहीं है वो क्रैब्स है। क्रैब्स हाँ। इसका एक ही हैंड है, आप देखिए एक ही टेल है। मतलब ये देखिए कैसा रहेगा, आप देखिए ध्यान। मतलब ये क्रैब का एक हैंड है? हाँ, एक ही रहेगा हैंड इसका, इसी तरह है। अरे ज्यादा बड़ा नहीं होता, आपको जो साइज का दिख रहा है वही साइज का निकल रहा है, जैसे हम जाते हैं वैसे जाता है, जल्दी से अंदर चले जाएगा। ये देखिए चैनल जैसा, इससे पानी चढ़ता है हाइड्रेट के लिए। तो अभी हम कैसे जाएंगे? साइड साइड से जाएंगे। छोटी छोटी छिपकलियां हैं। ओ ये छिपकलियां नहीं है, छिपकलियां नहीं है, ये मैंग्रोव फिश है। पानी के ऊपर देखिए कूद सकता है। वाओ, हाँ ये मैंग्रोव फिश है। चलिए सावन करो। तो हम मैंग्रोव्स में अभी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। काटा दिख रहा है आपको स्पाइक जैसा? ओ अच्छा, वो लगेगा तो फिर जान निकल जाएगा। बाप रे, बाप रे। और मैं तो सपोर्ट के लिए इसी का ही सहारा ले रहा हूं। गलती से भी पकड़ लिए तो हां, इनसे रिटर्न होना पड़ेगा। हाँ। इतना ज्यादा पेन होगा, इतना ज्यादा। ये देखिए शेल्स, ये सब लाइव है। लाइव है मतलब जिंदा है। आपको कैसे पता क्या क्राइटेरिया है इनका? वो देखिए अंदर में दिख रहा है आपको। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो दिख रहा है जी। इसके अंदर वो रहता है? हाँ इसके अंदर क्रैब्स रहेंगे। क्रैब जी, इसी मतलब ये शेल्स का ही है। अच्छा, हाइड्रेट का पानी चढ़ रहा है। चढ़ रहा है जी, आने वाला है। हाँ ये देखिए अभी ड्रेन भर चुका है, अभी आस्ते आस्ते अंदर जा रहा है पानी। तो मतलब हम जहाँ पे भी वॉक कर रहे हैं सब पानी भरा रहता है? हाँ जी पानी भरा रहेगा हाइड्रेट में। अभी हम लोग पानी से जाएंगे। अभी पानी से जाएंगे जी, पैर डालना पड़ेगा ना पानी में। पानी में कुछ पकड़ेगा तो नहीं? ये अभी हम लोग बीच पहुंच चुके हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट क्रॉस करके। अभी आप देख सकते हैं एलिफेंटा बीच इतना फेमस क्यों है। इसका पानी का कलर देखिए, वहाँ पे होगा आपका वो ऑरेंज कलर में एक बोट जैसा दिख रहा है, बड़ा सा शिप, वहाँ पे सी वॉक होगा। अच्छा, और इसी बोट पे मैं आपको लेके जाएंगे, जो येलो कलर का बोट अभी पानी से क्रॉस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, बहुत दूर है येलो एंड ब्लू, उसमें लेके जाएंगे। नहीं, वहाँ से आपको टिकट आपका बोर्डिंग होगा, बोर्डिंग टिकट वहाँ से टिकट काट के फिर यहाँ से आपको बोट पे चढ़ाएंगे, चढ़ा के फिर सी वॉक पे लेके जाएंगे। चले अभी हम लोग बीच के तरफ, एक्टिविटी पॉइंट। थैंक यू आकाश, बहुत अच्छा था, यहाँ से जाना, वापस भी जाएंगे। ओके।
तो इसके बाद मैंने पकड़ी एक फेरी और मैं गई अपने सी वॉक पॉइंट पे। मेरा सी वॉक इन हैवेलॉक एक बहुत फेमस वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको ज़रूर देखिए। उसके अंदर मेरा कंप्लीट अंडर वाटर एक्सपीरियंस और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो सब है। और ये करने के बाद मैं वापस आ गई अपनी ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए और आकाश मेरा वेट कर रहा था जब मैं सी वॉक करके आई। तो अभी मैंने सी वॉक कर ली और आकाश थे यहाँ पे वेट कर रहे थे मेरा। तो अब हम सी वॉक करने के बाद हमने थोड़ी फ़ोटो शूट की यहाँ पे पूरे बीच के ऊपर। बीच बहुत ही सुंदर लग रही है अगर आप देखो तो थोड़ी फ़ोटो शूट वगैरह करने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। सेम रास्ते से जैसे आए थे वैसे ही ट्रैक करके वापस जाएंगे। और बाकी लोग जो हैं सी एक्टिविटीज़ और कर रहे हैं, वाटर एक्टिविटीज़, वहाँ स्नॉर्कलिंग है, पैरा सेलिंग है, वो सब है। तो अगर आप कुछ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। आज आकाश पता नहीं कहाँ है। शॉप्स भी हैं जैसे आप देख रहे हो, तो अगर आप चाहो तो आप किसी भी शॉप से कुछ खा भी सकते हो, ले भी सकते हो। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ यहाँ से। और ये क्या है ये सब? ये सब राइड है आपका? अच्छा, राइड, बनाना राइड। अरे वाह, अरे बहुत सही। आप फॉर्म में नीचे जाके बनाना है तो उनको पूछिए, वो बताते रहेगा आप थोड़ा ब्लॉग बनाने के। अच्छा, राइड हो बाहर जा रहे हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आए और थोड़ी धूप ज़्यादा हो गई है, गर्मी जाएंगे। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूं तो आपको जंगल में एक आवाज आ रहा होगा। ये आवाज इसका है, टिड्डा कहते हैं ना, टिड्डा इसका आवाज है। हम वापस चल के जा रहे हैं और हाफ हो गया ना, हाफ डिस्टेंस सेम पेड़। हाँ, बारिश हो रही है क्या? ओ बारिश हो रही है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एंड हो चुका है। देखिए फिर से लिजर्ड से डर गए। मुझको एकदम से कुछ आवाज आई, मैं डर गई, मैंने कहा क्या है, वो लिजर्ड थे इतने सारे। लेकिन बहुत हिम्मत करके गए, इतना डर है फिर भी इतना लिजर्ड को क्रॉस करके गए बोलने से। मैंग्रोव में हाइट एट था, नीचे ऊपर पानी था, उसके अंदर से क्रॉस कर गए। उसके अंदर से क्रॉस करके गए, आगे क्रैब्स हाथ पकड़ रहे थे, हाथ छुड़ा के गए कि नहीं जाना है हमें, एलिफेंट बीच जाना है। ऐसे पूरा स्ट्रगल करके फिर आगे पानी था, उसमें स्विम करके गए पूरा, है ना। फिर आगे 2-3 मैंग्रोव से पेड़ पे चढ़ कर गए, ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ से नीचे उतर के गए, बढ़ गए। जंगली वाला काजू का पेड़ है, आपको दिख रहा होगा काजू फ्रूट्स। हाँ दिख रहा है, ये अच्छा फ्रूट होता है, टेस्टी होता है। एक्चुअली काजू जो होता है ना, काजू हम खाते हैं ब्रेनीज में, वो काजू है इसके अंदर होता है। हाँ जी, आपको दिख रहा होगा। अरे जो पेड़ है जैक फ्रूट का, कटहल। हाँ कटहल, वहाँ पे बड़ा वाला था पर इस पे कोई लगा नहीं हुआ। कटहल नहीं, वहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटा पेड़ है मान। जो ट्रैक था और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम टाइम है मेरे पास, मुझे अब भाग के वापस पहुंचना है होटल और फिर वहां से
हम लेंगे अपना सूट और जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। थैंक यू आकाश अगेन। थैंक यू मैम। ये हमारा एंड ट्रैकिंग का। ये देखिए पहुंच गए वो दुकान पे और एंट्री के हट पे। ओके मैम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इधर आ रहे हैं तो ज़रूर आइए इस ट्रैक पे, ज़रूर आइए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है ना ये? जी जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, तो मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ और फिर स्कूटी पे राइड करके आगे रूम तक जाएंगे, मतलब रिजॉर्ट। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरा सी वॉक वाला व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। बाय।